नमस्ते मित्रों, हूँ सतीश व्यास यूट्यूब चैनल शब्दना उजासमा आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूं। तमे जाणो छो तेम आ चेनल गुजराती भाषा साहित्य अने संस्कृतिने वरेली छे। मित्रों, आज सुधी अमे 65 एक विडियो बनाव्या छे, जेमां अमे गुजराती साहित्यना विविध स्वरूपों आवरी लीधा छे, जेवा के कविता, वार्ता, हास्यलेख, निबंध, नाटक वगैरह। तो साहित्यने माणवा माटे जोता रहो अमारी चेनल शब्दना उजासमा। आजनो विडियो विशिष्ट ए रीते छे के आजना केन्द्रमां कोई व्यक्ति नथी, एक साहित्य संस्था है। गुजराती साहित्य परिषद रणजीतराम वावाभाई मेहताए एनी स्थापना करी। एना पहला प्रमुख था श्री गोवर्धनराम माधवराम त्रिपाठी। गोवर्धनराम जेमणे सरस्वती चंद्र जेवी महानवल आपी। ए पछी गांधीजी जेवा महानुभाव पण साहित्य परिषदना प्रमुख तरीके रही चूक्या छे। मित्रों, अत्यारे साहित्य परिषदनी चूंटणी आवी रही छे अने एमां त्रणेक महानुभावोए प्रमुख पद माटे झंपलाव्युं छे। श्री हर्षद त्रिवेदी, जेमनी उमर 62-63 वर्षनी छे। श्री प्रकाश एन शाह, एमनी उमर 70 वर्षनी छे। अने श्री हरिकृष्ण पाठक, जेमनी उमर 72 वर्षनी छे। एक जमानामां परिषद प्रमुख तरीके साहित्य क्षेत्रना महानुभावोने बहुमतीथी नीमवामां आवता हता। बने त्यां सुधी चूंटणी टाळवामां आवती हती। पहला दर 2 वर्षे चूंटणी थती हती, हवे दर 3 वर्षे चूंटणी थाय छे। साहित्य परिषदना अधिवेशन 1 वर्षे अधिवेशन होय छे अने बीजा वर्षे ज्ञान सत्र योजातुं होय छे। अधिवेशन मोटा शहेरमां योजाय छे, ज्ञान सत्र नाना केन्द्रमां योजातुं होय छे। साहित्य परिषदना अधिवेशन अने ज्ञान सत्रमां जावुं, त्यां हाजरी आपवी ए पण एक आनंदनो प्रसंग होय छे। 2-3 दिवस सुधी साहित्यकारो मळे, विविध विषयों पर विचार गोष्ठी करे, त्यां आनंद अने उत्साहनुं एक मेळानुं वातावरण होय छे। साहित्य परिषदनुं अमदावादमां साबरमती नदीने किनारे एक भवन छे, जेनुं नाम गोवर्धन भवन आप्युं छे अने त्यां विविध प्रवृत्तिओ थती होय छे। त्यांथी साहित्य परिषदनुं मुखपत्र परब नामनु मेगेजीन दर महीने प्रकाशित थाय छे। त्या लाइब्रेरी छे, त्या ग्रंथागार नामनी पुस्तकोनी दुकान पण छे, ज्यांथी तमने पुस्तको मळी रहे छे। पहला माळे अने बीजा माळे ऑफिस छे, त्या हॉल छे जेमां विविध कार्यक्रमो थाय छे। आम परिषदनो व्याप घणो मोटो छे अने वधारे मोटो थई शके एम छे। तावा परिषद प्रमुखनी चूंटणी एटले एक महत्वनो बनाव गणी शकाय गुजराती साहित्यमां। जे प्रमुख बनशे 3 वर्ष माटे प्रमुख बनता होय छे। साहित्य परिषदना प्रमुख पदे जेमणे झुकाव्युं छे एवा प्रकाश न शाहनी मुलाकात आज रजू करूं छूं। अने आ विडियो मुलाकात छे, एटले के मैं एमने अमुक सवाल मोकली आप्या हता, एमने एमणे जवाब मोकल्या छे अने ए रीते विडियो बनाव्यो छे। प्रकाश न शाह एमनी खासियत पहला ज तमने कही दो कि एमनी पासे एक आगवी शैली है, जे बहुत ओछा लेखकों पास हो। आगवी शैली थी लखायेला लेखों माणनार एक खास वर्ग पण छे, जे एमनो खास चाहक छे। प्रकाश भाई गुजराती साहित्य परिषद साथे वर्षोथी जोड़ायेला छे। तेमणे मध्यस्थ कारोबारी समितिना सभ्यथी लईने उपप्रमुख अने महामंत्री पद पण शोभाव्युं छे। प्रकाश भाई विश्व मानव सामिक साथ 1868 1970 थी जोड़ाया। ज्ञान गंगोत्री श्रेणी 1971 में शुरू करी अने लगभग 30 वर्ष सुधी एनु काम कर्युं एमणे। प्रकाश भाई निरीक्षकना तंत्री छे अत्यारे अने एनी साथे 1992 थी जोड़ायेला छे, एटले लगभग छेल्ला 28 वर्षथी निरीक्षक चलावे छे। प्रकाश भाई भोगीलाल गांधी, उमाशंकर जोशी, जयंती दलाल, दर्शक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी जेवा महानुभावों साथे काम कर्युं छे। प्रकाश भाई कटोकटी वखते जेल में पण गया हता। प्रकाश भाई विविध संस्थाओं साथे जोड़ायेला छे। पत्रकार तरीके तो सतत सक्रिय रह्या छे। दिव्य भास्कर न्यूज़पेपर शुरू थयुं त्यारे शुरुआत में एना संपादकीय सलाहकार तरीके हता। अखंड आनंद फरीथी शुरू थयुं, एमां एमनो बहु मोटो फाड़ो रह्यो छे। प्रकाश भाई मूल्योना माणस छे, અને પોતાને જે લાગે તે બેધડક લખનાર માણસ છે. ઉમાશંકર જોશીનો એક કોટ છે કે શ્વાસ છે ત્યાં સુધી ઉજળો હિસાબ આપવો રહ્યો. પ્રકાશભાઈએ આ વખતે સાહિત્ય પરિષદની ચૂંટણીમાં જંપ લાવ્યું છે. આપણે પ્રકાશભાઈ પાસેથી જાણીએ કે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ તરીકે તેઓ કયા કામ કરવા માગે છે. એવું છે કે પરિષદના કામો તો 1905માં કોરડનામની અધ્યક્ષતામાં જે પહેલી પરિષદ મળી ત્યાંથી ચાલુ જ છે. સવાલ એમાં સમય અનુસાર સાતત્ય ઉપરાંત શોધન અને વર્ધનનો છે. હમણાં બે મોટા પ્રકલ્પો આ છેલ્લા દાયકાઓમાં પરિષદે બહાર પાડ્યા. ગુજરાતી સાહિત્યનો વિસ્તૃત ઇતિહાસ અને સાહિત્ય કોષના 3 ખંડો, એ સિવાય પ્રકાશનો વગેરે ચાલે છે. પણ મુખ્ય તો પરિષદને એક વાતાવરણ, એક આબોહવા સર્જવાની વાત છે અને એ એક ઓનગોઈંગ પ્રક્રિયા છે અને હોવી જોઈએ, એ રીતે હું આ વાતને જોઉં છું. મારો બીજો સવાલ એ હતો પ્રકાશભાઈને કે પરિષદના કાર્યોથી તમને સંતોષ છે કે નહીં, અને નથી તો એના શું કારણો છે? એવું છે કે દરેક કામથી સંતોષ છે અને દરેક કામ હજુ વધારે સારું કરવું જોઈએ તેવો અસંતોષ છે. એક ડિવાઇન ડિસકન્ટેન્ટને હંમેશા અવકાશ હોય છે અને આમ જુઓ તો પરિષદના એક અંગભૂત અને આત્મીય તરીકે મારી જે ભૂમિકા છે એક પ્રકારે જેને ડિવાઇન ડિસકન્ટેન્ટ અને પ્રણય કલહ કહીએ તે પ્રકારની છે. અને હું ધારું છું કે આવા કલહો એ અંતે સર્જનાત્મક પરિણામ લાવતા હોય છે. હવે આપણે છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલી રહેલા એક વિવાદ વિશે વાત કરીએ. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીની સ્વાયત્તતા, એ મિત્રોને ખ્યાલ ન હોય એમના માટે હું થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ આપું છું. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી ગુજરાત સરકારે રચેલી છે અને એ પહેલાં સ્વાયત્ત હતી. એના પ્રમુખ તરીકે દર્શક હતા, ઉમાશંકર જોશી હતા. એ પછી સરકારે બંધારણ બદલ્યું અને હવે ત્યાં સરકારી ઓફિસરો અકાદમીના હેડ તરીકે આવતા હોય છે. એટલે આને સ્વાયત્ત કરવા માટે, પહેલાં જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરવા માટે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના કાર્યકરોએ, પ્રમુખોએ એક ભૂમિકા લીધી અને આના માટે વિવાદ ચાલ્યા કરે છે. જોવાની વાત એ છે કે ભારતના દરેક રાજ્યમાં સાહિત્ય અકાદમી છે અને એ સરકારે બનાવેલી છે, એટલે એમાં સરકારના માણસો હોય એ સ્વાભાવિક છે. એકવાર તો પ્રમુખે એવું ફરમાન બહાર પાડ્યું કે ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના કોઈપણ કાર્યક્રમમાં સાહિત્ય પરિષદના કોઈ સાહિત્યકારે ભાગ ન લેવો. વચ્ચે એક ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ભાગ લેવા જતા હતા તો એમને ફોન કરીને અટકાવવામાં આવ્યા અને એમને સાહિત્ય અકાદમીમાં ભાગ લેતા રોકવામાં આવ્યા. પણ છેલ્લા 5-7 વર્ષથી આ જ ચાલ્યા કરે છે. સાહિત્ય પરિષદનું સમગ્ર ધ્યાન સાહિત્ય અકાદમીને સ્વાયત્ત કરાવવા તરફ છે. પણ જો અકાદમી સ્વાયત્ત કરાવવી હોય તો સરકારનો બહિષ્કાર કરો, સરકારી ગ્રાન્ટ નહીં લો, સરકારના પૈસા પાછા આપી દો, અસહકાર કરો સરકાર સાથે. સાહિત્ય અકાદમીને એવો બહિષ્કાર કરવાથી કંઈ મતલબ વળવાનો નથી. આ એક બહુ સળગતો સવાલ છે. સાહિત્ય પરિષદ પાસેથી જો આ પ્રશ્ન છીનવાઈ જાય તો બાકી શું રહેશે એ પણ એક સવાલ છે. મેં પ્રકાશભાઈને સવાલ પૂછ્યો હતો કે સાહિત્ય અકાદમીની સ્વાયત્તતા જરૂરી છે, જો અકાદમી સ્વાયત્ત ન હોય તો શું ફરક પડે છે? એવું છે કે હું શ્વાસ બરાબર લઈ શકું અને જ્યારે શ્વાસની એક મને સુવિધા ન હોય, કંઈક મુશ્કેલી હોય ત્યારે ઓક્સિજન લઈ શકું, તો શું એ જરૂરી છે? આ પ્રશ્ન જરૂરી છે કે ગેરસમજથી આવેલો છે? આ મારો પ્રતિપ્રશ્ન છે. અને લોકશાહી વ્યવસ્થામાં આપણે સ્વાયત્તાનું એક તત્વ બંધારણીય સંસ્થાઓ માટે જરૂરી માન્યું છે અને એ જ દિશામાં અકાદમીની સ્વાયત્ત અપેક્ષિત છે. અને વધારે તો અગત્યની વાત એ છે કે દેશભરમાં કોઈપણ રાજ્યની અકાદમીમાં નહીં, એ રીતની એક લેખકોની કોન્સ્ટિટ્યુન્સી અકાદમીઓમાં સંસ્થાઓમાંથી નિયુક્તિ હોય, પ્રતિનિધિત્વ હોય, પણ ઉપરાંત લેખકોનું પોતાનું પ્રતિનિધિત્વ, એક મતદાર મંડળ અને એમાંથી ચૂંટાયેલા લેખકો, આ એક નવી વસ્તુ અને એ બધાએ મળીને ચૂંટેલા પ્રમુખ आ गुजरात में आपणे एक विशेष वस्तु हासिल करी थी। आज आ जवा बैठी अने लोको गुजरात मॉडल करे छे, पण आ तो समजता ज नथी। लिटरेचर फेस्टिवल थवा मांड्या छे। जे युवको तो नवयुवानो एमने साहित्य परिषदमां स्थान नथी मळतुं एवी एक फरियाद छे अने ए बधा युवकोए भेगा थईने हवे लिटरेचर फेस्टिवल्स शरू कर्या छे। सूरतमां थाय छे, राजकोटमां थाय छे, बीजा घणा शहेरोमां थवा मांड्या छे। मुंबईमां तो दर शनि रविए बे चार साहित्यना कार्यक्रमों होय ज छे। दरेक कार्यक्रम हाउसफुल जतो होय छे। सारी एवी संख्या में अहींया श्रोताओ मळी रहेता होय छे। प्रकाश भाई आ लिटरेचर फेस्टिवल ने कई दृष्टिए जोवा मांगे छे? एवुं छे के लिटफेस्ट छे ए छेल्ला वर्षोमां आपणे तेने इन थिंग कहीए ए रीते आवी छे। आ बधी इन थिंग्समां पाछुं स्वीट नथिंग्स पण होय छे अने लिटफेस्टनो कदाच एक बजारनो पण एक आस्पेक्ट हशे, पण तेम छतां लोकोने वाँचवामां रस पड़े। लोकोने ने खास खास करीने सोशियल मीडिया पछीनी युवा पेढ़ीने वाँचवामां रस पड़े एटला माटे एक टीजर तरीके मने लागे छे के लिटफेस्टनी एक भूमिका छे अने ए रीते एने जोवू जोईए। पण ज्यां सुधी नवी पेढ़ीनो सवाल छे, आपणे सारा अंग्रेजीने बदले अंग्रेजी माध्यम अने परिणामे गुजराती भाषानो एटले के आपणा सौनी महाराष्ट्रमां मराठीनो बीजे बीजी भाषानो ए मातृभाषानो जे भोग आपणे शिक्षणमां आरंभना तबक्कामां लीधो अने सारू अंग्रेजी अने अंग्रेजी माध्यम ए बेनी गड़बड़ करी एने कारणे आजे गुजरातीमां अभिव्यक्ति अने गुजरातीमां समजवानुं ए एक प्रकारे अघरू बन्यु छे अने एणे आपणा उछरता विद्यार्थीओने न समजाय ते रीते कंईक कुंठित कर्या छे एम मारुं मानवुं छे। प्रकाशभाईने मारो छेल्लो सवाल ए हतो के साहित्य परिषदना प्रमुखो तरीके आवा स्वनामधन्य मोटा मोटा नामो आवे छे अने बबे ते त्रण वर्ष पर प्रमुखो रहे छे, पछी नवा प्रमुख आवे छे, पण साहित्य परिषदना क्षेत्रे एवुं कोई परिवर्तन केम जणातुं नथी? एवुं छे के आ प्रश्न तो सनातन प्रश्न छे। आ बधा अवतारो आव्या ने गया, पैगंबर आव्या ने गया, तमे क्यां छो एम कोई पूछे, पण छतां आपणे जाणीए छीए के आ अवतारो आव्या, पैगंबरो आव्या, महापुरुषो आव्या अने नाना मोटा अनेक विलक्षण व्यक्तित्व आव्या अने मनुष्य जाति धीरे धीरे इंच ब इंच आगळ वधे छे। तो कोई एक प्रमुख चमत्कार करशे एम नहीं, अथवा तो कोईनी पासे कोई जड़ीबूटी है एम नहीं, पण आ साथे मळीने वधवानुं छे अने प्रमुखमां ए माटे नेतृत्व अने दोरवणीनो गुण जोईए ए अपेक्षित है। नेतृत्व अने दोरवणीनो गुण अने एक व्यापक परिप्रेक्ष्य। आ व्यापक परिप्रेक्ष्य बहु मोटी वात छे। उमाशंकरे छे ते 1955 मां नडियादनी साहित्य परिषद में गोवर्धन शताब्दी वर्ष में जे एक પડકાર આપ્યો કે एक चक्री पकड़ में परिषद ने बहार काढ़ो। ये પડકાર पछीनो एक नवो लोकशाही विकास अने आजे ए ज પડકારની बीजी बाजू के स्वायत्तता, आंतर बाह्य स्वायत्तता, शुचिता, आंतर बाह्य शुचिता, सर्जन कर्मिता, अंतर्बाह्य सृजन कर्मिता। आज एक बात ए प्रमुख पास आ दिशा में दोरवणीनी अने एक अपेक्षा है अने प्रमुखे एक वस्तु बहुत स्पष्ट समझवानी है कि आ साहित्य परिषद है ये प्रजानी संस्था है। ये कोई बे चार रसियाजीवोनी किटी पार्टी नहीं। साहित्य परिषद है तो अक्षर जीवन और जाहिर जीवन ज्यां एकत्र थाय छे ए भूमि पर कार्यरत एवं एक प्रजानी संस्था है अने एणे एणे चौक्कस बाबत में स्टेन्ड लई अने एक वळांक आपवानो रहे छे अक्षर जीवन अने जाहिर जीवन ज्यां मळे छे ते भूमि में बराबर खोड़ाईने आ परिषद है। मैं हमणा कोई किटी पार्टी नहीं जरा पण रनडाउन करवा माटे नहीं पण एना स्वरूप ने समजाववा माटे अने 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 एक एक जेने एम कहीए ने के परिषद है एक एक यू ऑल्सो रेन के शी ऑल्सो रेन एम नहीं ए एक टट्टार व्यक्तित्ववाड़ी संस्था है जे स्टेन्ड लई ऊभी रहे छे अने मार्गदर्शन आपे छे। आ भूमिका में हूँ प्रमुखनी कामगीरी एने बहु ज महत्वनी गणुं छुं। साहित्य परिषदे करवाना घणा कामों छे। साहित्य परिषदे जे कोष बनाव्यो छे एमां एटली बधी भूलो छे के भूलोनुं स्वतंत्र पुस्तक छापवुं पड़े। साहित्य परिषदे जे इतिहास बनाव्या छे विद्यार्थीओने के अभ्यासीओने बहु काममां आवेवा नथी। विद्यार्थीओ एना करता वधारे प्रिफर करे छे धीरूभाई ठाकरनो साहित्यनो इतिहास। साहित्य परिषदना एटला प्रकाशनो पण छेल्ला 5 वर्षमां थयानुं जाणमां नथी। परिषद प्रजाकीय प्रश्नोने केम हाथ पण नथी लगावती। साहित्य परिषदना अधिवेशनमां 200-250 व्यक्तिओ मांड होय छे। कोई कॉलेजमां होय तो त्याना विद्यार्थीओने शरूआतमां फरजियात बेसाडवामां आवे छे। बाकी तो बधा सेशन्समां 200-250 थी वधारे व्यक्तिओ होती ज नथी। त्यारे सामे पक्षे महाराष्ट्र में साहित्य परिषद होय तेमां 50,000 થી 1 લાખ माणस होय छे। एक अठवाडिया सुधी प्रोग्रामों चाले अने एक साथे 3-4 प्रोग्रामों अलग अलग जग्याए होय अने प्रजाकीय प्रश्नों तेमां हाथ धरवामां आवे। गुजराती साहित्य परिषदे गुजराती भाषाना संवर्धन माटे कया स्टेप्स लीधा छे लीधा होय तो आपणी जाणमां नथी। गुजराती मीडियम धोवातुं जाय छे तो एना माटे साहित्य परिषदे शुं कर्युं छे। आवा घणा बधा सवालो छे मित्रो। हवे जोईए नवा प्रमुखनी चूंटणी थाय अने नवा प्रमुख आवे अने मित्रो मने विश्वास छे तमने आजनो विडियो गम्यो हशे। सांप्रत समय साथे मैं आपने जोड़वानो प्रयत्न कर्यो छे। गुजराती साहित्य परिषद एक महत्वनी संस्था है, प्रजाकीय संस्था है, एमां लोकशाही धोरणे बधुं काम थतुं होय छे। तो आपणे ईच्छीए के एमां सरस कामो थाय, तंदुरस्त वातावरणनुं निर्माण थाय। मित्रों आजनो विडियो गम्यो हशे तो लाइक करजो, तमे कमेंट करजो तमने शुं गम्युं शुं न गम्युं, तमने विडियो केवो लाग्यो अने तमे शेर करजो तमारा साहित्यकार मित्रों, साहित्य प्रेमी मित्रों, तमारो परिवार, सहकर्मचारीओ बधामां आनो फैलावो करजो अने हाँ सब्सक्राइब खास करजो कारण के सब्सक्राइब मफत में थाय छे साहेब। एना माटे कोई पैसा लागता नथी पण तमने आवा विडियो सतत जोवा मळे, तमने सारा सारा विडियो साहित्यनो रस माणवा मळे एवुं तमे इच्छता हो तो तमे आ चेनल सब्सक्राइब करजो अने नेक्स्ट विडियो में मळीए त्यां सुधी सतीश व्यासना नमस्कार।